रॉकिंग स्टार यश के फैन के लिए यह बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक की रिलीजिंग डेट चेंज हो गई है। पहले इसका रिलीजिंग डेट 10 अप्रैल 2025 था, लेकिन अब पोस्टपोन हो चुका है। क्या इसका अगला रिलीजिंग डेट रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, और इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक मूवी का मैंने पोस्टर पे रिव्यू किया था, आपने देखा ही होगा, टाइटल अनाउंसमेंट पे भी रिव्यू किया था। तो इसमें रिलीजिंग डेट रखा गया था 10 अप्रैल 2025 के, लेकिन अब कल ही एक खबर आई थी कि इसका जो रिलीजिंग डेट है चेंज हो गया है, पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि 10 अप्रैल 2025 के पहले अब सलमान खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी सिकंदर आने वाली है, और सिकंदर जानते ही हैं कि बहुत पॉपुलर मूवी होने वाली है, क्योंकि अभी से इसका हाइप पूरा है। तो ऐसे में कोई भी मूवी अपने बिजनेस को चौपट नहीं करना चाहेगी। अगर दोनों मूवी सिकंदर और रॉकिंग स्टार यश की मूवी टॉक्सिक एक साथ टकराती हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस दोनों का ही तबाह होगा, किसी का कम होगा तो किसी का ज़्यादा होगा। इसीलिए दोनों ही आपस में एक समझौता कर लिए, ये बात तो तय था कि दोनों मूवी में से कोई एक मूवी का डेट पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन रॉकिंग स्टार यश का भी ये टॉक्सिक मूवी डेट पोस्टपोन हुआ, तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इनका जो KGF सीरीज था, ये कितना बड़ा फ्रेंचाइजी निकला, Part 3 अब आने वाला है। तो वैसे ही ये टॉक्सिक को अब एक ब्रांड बनाने वाले हैं, बहुत बड़ा सीरीज बनाने वाले हैं, Part 1, 2 भी इसका आ सकता है, इसीलिए इसका डेट पोस्टपोन किया गया। और बहुत सारे स्टारकास्ट नए नए ऐड भी हो रहे हैं और काम अभी बाकी भी है, तो इसीलिए इसका रिलीजिंग डेट पोस्टपोन हो चुका है। अब बताया जा रहा है इसका नया रिलीजिंग डेट होने वाला है, जो अगस्त से सितंबर महीने के बीच में होने वाला है, 2025 अगस्त से सितंबर महीने के बीच में। और इसके स्टारकास्ट में आपको अभी देखने को मिलेंगे करीना कपूर खान, जो कि इनके बहन के, बड़ी बहन के रूप में नजर आने वाली है रॉकिंग स्टार यश के, और रॉकिंग स्टार यश लीड रोल में नजर आने वाले हैं। साहिब पल्लवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमें इस मूवी में नजर आने वाले हैं, जो कि विलेन के रूप में हमें नजर आएंगे। श्रुति हसन, संयुक्ता मीनोन और धनंजय और मेनी मोर अदर कास्ट, और बहुत बड़े बड़े स्टारकास्ट और भी ऐड हो रहे हैं आए दिन। अभी खबर आई है हाल ही में कि कियारा आडवाणी और नयनतारा भी हमें इस मूवी में नजर आएंगी, तो और भी बहुत सारे स्टारकास्ट हैं जो कि हमें देखने को आने वाले समय में मिलने वाले हैं। और ये बिग बजट मूवी होने वाली है, करीब 500, 600, 700 करोड़ की मूवी होने वाली है, तो इसीलिए इसका रिलीजिंग डेट पोस्टपोन होना बनता ही था और होना भी चाहिए था, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश के लिए बहुत ही अच्छा ये मूवी साबित होने वाला है। इस मूवी के डायरेक्टर गीता मोहनदास है, और इस मूवी का जो बजट बताया जा रहा है 600-700 करोड़ की ये मूवी होने वाली है, तो बिग बजट मूवी है एक तो ये ऐसे में इसका रिलीजिंग डेट है जो पोस्टपोन हुआ है अभी वो बनता ही था, क्योंकि एक दूसरे के साथ जब ये मूवी आपस में टकराएगी तो बिजनेस चौपट होगा, तो लॉस बहुत भयंकर होगा, इसीलिए इसका रिलीजिंग डेट चेंज किया गया है। और एक तो इस मूवी को बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी बनाना है इसको, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस मूवी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा KGF कितना बड़ा फ्रेंचाइजी बना, वैसे ही ये फ्रेंचाइजी बड़ा होने वाला है। और इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो इसमें दिखाया जाएगा एक गैंगस्टर गाथा पे ये मूवी आधारित है, जो कि 1950 और 1970 के दशक में ड्रग्स के वर्ल्ड माफिया के रूप में हमें नजर आएगा। ये जो गैंगस्टर की गाथा है, इसमें हमें लीड रोल में यश नजर आएंगे, यश हमको देखने को मिलेंगे, कैसे वो गैंगस्टर के रूप में नजर आते हैं और कैसे वो ड्रग्स के माफिया बन जाते हैं, वर्ल्ड माफिया ड्रग्स के, कैसे डीलर बड़े बन जाते हैं इसमें हमें देखने को मिलेगा, और वो ड्रग्स के दुनिया में क्यों कूदे, क्या मजबूरी उनकी रही, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और वैसे भी यश का लुक आपने देखा ही होगा, वही लुक, खुखार लुक में वो नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, लेकिन हाँ, आपके लिए जो यश के फैन हैं उनके लिए बुरी खबर अभी के लिए है, लेकिन अगर आप इस मूवी को देखिएगा तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप यश को एक नए अवतार में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।